हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। सो दोस्तों, रीजनिंग सुपर सीरीज का आज हमारा डे टू है, जो हमने पूरी आपके लिए सीरीज चलाई है फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर। इसका आज डे टू है। डे वन वीडियो पहले ही आउट हो चुके हैं, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन वहां पर आपको दिया था कि पूरा किस तरीके से पूरी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, किन किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, क्या इसके फीचर्स रहेंगे, क्या और जो सीरीज चलती हैं यूट्यूब पे फ्री उनसे ये सीरीज अलग रहेगी और किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, पूरी बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें एक आपको एक तरीके से स्टडी प्लान भी दिया गया था कि मतलब टॉपिक वाइज की एक एक जैसे इनइक्वालिटी है तो उसमें किस किस टाइप के टॉपिक होते हैं, सिलॉजिज्म में तो उसमें किस किस टाइप के टॉपिक होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम कीजिए, आपके लिए कनेक्ट करने में बहुत उसमें हेल्प मिलने वाली है। मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन पे बता दूं कि ये सीरीज हमारी डेली कंटिन्यू रहेगी, राइट। इसमें हम सभी टॉपिक्स को ब्रीफली बिल्कुल बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक्स भी हम लेंगे और उनको भी हम अलग अलग सेशंस में डिवाइड करके, टाइप्स में डिवाइड करके फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको वीडियो मिलेगी इसी चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपसे ये वीडियो कभी भी मिस ना हो पाए। ये डेली आपको 8 AM सीरीज मिलेगी, तो आपको ये कंटिन्यू रखनी है। ये इसके फीचर्स हैं जो इसको अलग बनाते हैं। ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड, सारे टॉपिक कवर्ड रहेंगे, कंटेंट अपडेटेड रहेगा, लेटेस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगा। उसके अलावा बेस्ट अप्रोच बताई जाएगी आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को टैकल करने की, जो कि हमारा मेन कंसर्न रहता है। उसके अलावा मल्टीपल क्लासेस ऑफ एवरी टॉपिक फॉर बेटर क्लैरिटी, यानी कि जो भी एक टॉपिक रहेगा, मान लीजिए इनइक्वालिटी ही रहता है तो उसकी 4 क्लासेस रखी गई हैं, सिलॉजिज्म अगर रहता है तो उसकी भी 4 क्लासेस रखी गई हैं। मतलब एक तरीके से कंप्लीट आपको पैकेज मिलेगा, कंप्लीट आपको रीजनिंग की 0 से लेकर तैयारी हो जाएगी आपकी, और आप बिल्कुल अच्छे लेवल पर पहुंच पाएंगे, एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में, इन वीडियोज में आपको अपडेटेड कंटेंट, जैसा कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है, जिस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी टाइप सेम टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। तो इस सीरीज में गाइस, मैं अपने इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है यमन कंसल। मैंने रिसेंट में अभी ये सभी एग्जाम जो आपके सामने लिखे हैं, जिनमें SBI PO, IBPS PO, RRB PO, LIC, ADO, ये सभी एग्जाम्स मैंने रिसेंट में क्लियर करे हैं। इन सभी में मेरी अभी ज्वाइनिंग अवेटेड है SBI PO, IBPS PO, RRB PO में। तो लेट्स सी कि कौन से बैंक की ज्वाइनिंग आएगी, एंड आई विल ज्वाइन दैट बैंक, वो बात की बात है। लेकिन अभी अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि लेटेस्ट में ही एग्जाम क्लियर किए हैं, तो जानता हूँ कहीं ना कहीं कि अभी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल क्वेश्चन का रखा जा रहा है, तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, किन कौन सी चीजें पढ़ के आपका सिलेक्शन होगा, वो जानना बहुत जरूरी है। खाली मेहनत करना जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। तो वो सब चीजें हम यहाँ पर इस पूरे सेशन में रखने वाले हैं। तो सीरीज को बहुत एंड तक कंटिन्यू रखिएगा, रोज इस सीरीज को देखिए, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे इस सीरीज को, इस सेशन के खत्म होने के बाद आपको इसकी PDF भी मिलेगी, जिसमें कि जैसे आज मैंने इनइक्वालिटी अगर टॉपिक लिया है उसको पढ़ाऊंगा, तो उसमें बेस्ड 25-30 क्वेश्चंस तक आपको एक PDF के फॉर्म में मिलेंगे। उस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाया करेगी। तो इस सेशन को देखने के बाद, समझने के बाद कॉन्सेप्ट को, उस प्रैक्टिस को करना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए वो PDF डाउनलोड कीजिए, और उस PDF में जो भी क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उस PDF में क्वेश्चन भी होंगे, आंसर भी होंगे, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। कोई डाउट अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर उस डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल एंटरटेन इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो ये सब एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे, जो आप जानते हुए बैंकिंग एग्जामिनेशन आने वाले हैं, ये सब बता चुका हूँ। इसके अलावा आप देखिए, इनइक्वालिटी की हम डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटी को मैंने इन 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्लास जो है हमारी, जो आज होगी, वो है नॉलेज ऑफ साइन एंड सिंपल क्वेश्चंस। इसमें मैं आपको साइंस की नॉलेज दूंगा, किस तरीके से मूव करते हैं, कैसे पाथ बनाते हैं, और कुछ सिंपल क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नॉट इक्वल टू टाइप डिस्कस करेंगे, तो वो आगे बात है। अभी हम जो बात करेंगे, अभी हम जो आज की क्लास में जिसे वो मैंने रखा है टॉपिक, वो है हमारा ये वाला फर्स्ट वाली क्लास, इसे हम आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से 4 क्लासेस रहेंगी इसकी, और 4 ही आपको PDF मिलेंगी। तो बहुत अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉलेज ऑफ साइन एंड सिंपल क्वेश्चंस। तो पहले नॉलेज ऑफ साइन, देखिए साइन का जानना कि वो जो सिंबल होते हैं, जो साइन होते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर पहुंचते हैं। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाता चलूंगा। देखिए गाइस, 3 साइन होते हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो ये और ये, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, यानी कि इसका जो फेस है, ये इसका फेस हो गया, ये इसकी टेल हो गई, ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई। इसका जो फेस है या जो इसका हेड है, वो जिसकी तरफ होता है वो बड़ी चीज होती है, और जिसकी तरफ इसकी टेल होती है वो छोटी चीज होती है। ठीक है, तो ये हम बोलते हैं इसे ग्रेटर देन, क्योंकि इधर ये ग्रेटर देन शो कर रहा है, हम इसे बोलते हैं ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर साइन। इसको हम बोलते हैं स्मॉलर साइन, और इसको हम बोलते हैं इक्वल टू। जब दोनों चीजों में इक्वलिटी है, दोनों चीजें बराबर है, तो इक्वल टू साइन का यूज करते हैं।
इसके अलावा दो साइन हमारे और हैं, एक तो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर दो चीजों के बारे में पता नहीं है कि वो बड़ी है या फिर बराबर है, हाँ बस ये पता है कि वो छोटी नहीं है किसी चीज से। मान लीजिए दो चीजें हैं ए और बी, हमें ये पता है कि ए जो है वो बी से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है इसका मतलब वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो उस केस में हम इन साइन का यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू कायदे में इसको बोला जाता है। ऐसे ही ये लेस देन और इक्वल टू साइन है। अगर कि ए और बी एलिमेंट में हमें ये पता है कि ए बी से बड़ा नहीं है तो उस केस में वो छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू के लिए हम ये स्मॉलर देन इक्वल टू साइन हम यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं स्मॉलर देन इक्वल टू। गाइस आप एक इसके लिए सेपरेट एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। एक तो फेयर नोटबुक होगी, एक आपका रफ रजिस्टर होगा। रफ रजिस्टर में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जो आपका फेयर रजिस्टर होगा उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस तरह के, आप इनको लिखते चलेंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे, रिवाइज करने बैठेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो लिखा है वो चीज आपके सामने है, ठीक है। तो ये स्मॉलर देन इक्वल टू का यहाँ पर ये साइन हो जाता है। अब दो एलिमेंट्स के बीच में पहुंचे कैसे, पहले तो हमने ये चीज लिख ली, ग्रेटर देन साइन, ये स्मॉलर देन साइन, ये इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये स्मॉलर देन इक्वल। अब दो एलिमेंट्स के बीच में देखिए कैसे पहुंचा जाता है। मान लीजिए अगर कोई हमारे पास ए है एक एलिमेंट और एक एलिमेंट बी, अब इनके बीच में काफी सारे एलिमेंट्स भी हैं सी डी ई एफ, और उनके बराबर में उनका साथ में उनका रिलेशन भी दिया है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। अभी क्वेश्चन में वो चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मान लीजिए इन केस अगर ए से बी जाने में हमें बीच में ओपोजिट साइन मिलते हैं, ओपोजिट साइन मतलब हमें ये भी मिल गया और ये भी मिल गया बीच में। अगर ए से बी जाने में, ए से बी ट्रेवल करने में हमें ये ऑपोजिट साइन मिल गए, इधर की तरफ वाला भी और इधर की तरफ वाला भी, तो इस केस में हम उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अगर ए से बी यानी कि किसी एलिमेंट से किसी अदर एलिमेंट में, जो भी हमें कंक्लूजन में एलिमेंट दिए होंगे, हम जब उनमें ट्रेवल करेंगे तो वहां से अगर उन दोनों एलिमेंट्स तक पहुंचने में, अगर फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट तक पहुंचने में अगर हमें ऑपोजिट साइन बीच में कहीं मिल जाते हैं, तो उस केस में हम उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो लिखा है इफ ऑपोजिट साइन आर फाउंड बिटवीन ए एंड बी और टू एलिमेंट्स देन नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम, देन नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकेंड कंडीशन सेम, अगर हमें ए से बी ट्रेवल करना है और ए से बी ट्रेवल करने में हमें ये तीनों साइन मिल गए, हमें ये तीनों साइन मिल गए, प्योर ऑपोजिट साइन नहीं है, ए की तरफ वाले साइन, अगर ये तीनों साइन मिल गए तो हम इस साइन को एज एन आंसर लिखेंगे, ए और बी के बीच में ये वाला साइन, ठीक है। अगर हम ए से बी ट्रेवल कर रहे हैं और बीच में हमें ये तीनों साइन मिले, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो उस केस में जो हमारा आंसर होगा फाइनल वो सिर्फ ग्रेटर देन होगा, तो किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अगर कहीं पर ये नहीं मिलता, ये दोनों साइन मिलते हैं, तो वहां पर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर ए और बी जाने में हमें ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू मिलता है, तो आंसर जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। इसमें खाली ग्रेटर देन आंसर कर देना या खाली इक्वल टू आंसर कर देना वो गलत हो जाएगा। अगर दोनों एक साथ हैं तभी उसका आंसर हम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी होती है, इनको बोलते हैं प्रायोरिटी ऑफ साइंस, प्रायोरिटी ऑफ साइंस, ठीक है। इसमें कैसे प्रायोरिटी को हम डिफाइन करेंगे, अगर कहीं पर ये वाले साइन है तो इसमें इस तरीके से इनके प्रायोरिटी का इनका ऑर्डर है ना, इस तरीके से इनकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है कि अगर कहीं पर ये तीनों हमें साइन देखने को मिले, ये तीनों, तो इसमें जो आंसर आएगा वो ये वाला है। अगर कहीं पर हमें सिर्फ ये दोनों साइन देखने को मिले, तो इसमें आंसर जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। कहीं पर अगर ये दोनों देखने को मिले ऊपर वाले दोनों, तब भी आंसर ग्रेटर देन आएगा। तो ये होती है प्रायोरिटी ऑफ साइन, ठीक है। ऐसा ही रिवर्स में हो जाएगा, अगर हमें ये तीनों साइन देखने को मिलते हैं, अगर मान लीजिए हमें ये तीनों साइन देखने को मिलते हैं रिवर्स इधर की तरफ, है ना, ये तीनों साइन देखने को मिले, तो इन तीनों में हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो इसकी होगी, ठीक है। अगर ये दोनों मिले तो इन दोनों में हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो इसकी, और अगर ये दोनों मिले तो इन दोनों में प्रायोरिटी हमारी ग्रेटर देन की होगी, लेस देन की होगी। तो ये होती है प्रायोरिटी ऑफ साइन। अगर तीनों साइन मिलते हैं तो ये साइन आंसर, ये दोनों साइन मिलते हैं तो ये साइन आंसर, ये दोनों साइन मिलते हैं तो ये वाला साइन आंसर,
ठीक है, तो इस चीज की चीज क्लियर होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले। अगर दोनों एलिमेंट के बीच में ऑपोजिट साइन मिले तो कोई रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, ये तीनों साइन मिले तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, ये दोनों मिले तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, और अगर ये अकेला मिला तो ये अकेला ही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये तीनों मिले तो ये वाला आंसर हो जाएगा, अगर ये दोनों मिले तो ये वाला आंसर हो जाएगा, और अगर ये दोनों मिले फर्स्ट और सेकंड तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, इन चीजों के आप नोट्स बना लीजिए, अपने नोटबुक में इन चीजों को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से पहले जो उसकी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो जानने जरूरी है। हालांकि ये ऑप्शंस क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है बहुत सारी कंक्लूजंस हो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो फिलहाल जो स्टैंडर्ड है मैं आपको बता रहा हूं, इसमें पहचानना कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें लिखा है इंस्ट्रक्शंस में, इन दीज क्वेश्चंस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स आर शोन इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन शो किया गया है, ग्रेटर स्मॉलर इक्वल टू साइन यूज करके कोई रिलेशन यूज किया गया है, कोई रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया है। दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजंस। अब जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो टू कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर टू कंक्लूजन लिखा है। उन स्टेटमेंट्स के बाद दो कंक्लूजन है, आपको बताना है कि ये जो पांच ऑप्शन हमने दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, किसको ऑब्जर्व करके हमारे कंक्लूजन को, कंक्लूजन को हमें फॉलो या अनफॉलो कराना होता है। कहां से कराना होता है, बेस्ड अपॉन द स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनसे हमें कंक्लूजन को उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये निकालना। ठीक है, अब हमारे ऑप्शंस इस तरह से होते हैं, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, अगर केवल कंक्लूजन वन फॉलो कर रहा है सेकंड नहीं कर रहा तो उस केस में ये वाला आंसर, केवल सेकंड कर रहा है फर्स्ट वाला नहीं कर रहा तो ये वाला आंसर, अगर दोनों मिलके करेंगे, दोनों मिलके उसको फॉलो करा देंगे, मान लीजिए अगर ए और बी के बीच में रिलेशन आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू का, कंक्लूजन वन में लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी, कंक्लूजन टू में लिखा है ए इज इक्वल टू बी, तो ये देखो ये अकेला गलत है क्योंकि जो रिलेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो खाली ग्रेटर देन कहना सही नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर खाली इक्वल टू भी कहें इंडिविजुअली तो वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो जो है रिलेशन उनके बीच में वो है ग्रेटर देन इक्वल टू। लेकिन अगर दोनों को एक साथ मिला दें, यहाँ पर अगर इन दोनों कंक्लूजन को एक साथ मिला दें तो ये दोनों के अलावा कोई और आंसर इसका नहीं हो सकता क्योंकि या तो एक बड़ा होगा बी से या फिर ए बराबर होगा, तो यहाँ पर भी फर्स्ट के अकॉर्डिंग बड़ा है और सेकंड के अकॉर्डिंग बराबर है, तो ये दोनों मिलके इधर और पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो जब दोनों कंक्लूजन मिलके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो, एक दूसरे को पूर्ण करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो वहां पर आके वो दोनों मिलकर इधर और का पेयर बनाते हैं, तो वहां पर हमारा जो आंसर होता है वो इधर वन और टू आंसर होता है। फोर्थ ऑप्शन है नीदर वन नॉट टू, ना ही फर्स्ट फॉलो करे ना ही सेकंड फॉलो करे, उस केस में हमारा नीदर वन नॉट टू आंसर होता है। और फिफ्थ है हमारा बोथ, अगर दोनों ही फॉलो कर जाए, फर्स्ट वाला भी फॉलो करे सेकंड वाला भी फॉलो करे, तो वहां पर हम बोथ को मार्क करते हैं एज अ आंसर। ये ऑप्शंस वेरी कर सकते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन, तो थोड़ा ऑप्शंस को पढ़ के फिर आप आंसर करना। ठीक है, चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कैसे करेंगे। सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस मैंने आज पिक किए हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस प्लस नॉलेज ऑफ साइन हमारा चैप्टर था आज, उसके अकॉर्डिंग कल हम डिस्कस करेंगे नॉट इक्वल टू वाला, जो कि एक लेटेस्ट टाइप है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। करते हैं इसको डिस्कस। पहले देखिए हमें कहां से कैसे जाना है, ये हमें स्टेटमेंट दिया है, पहले हम कंक्लूजन को देखेंगे कि कंक्लूजन में पूछ क्या रहा है। कंक्लूजन फर्स्ट में इन्होंने कहा कि आप डब्ल्यू से टी जाके दिखाओ, डब्ल्यू से टी जाके दिखाओ, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको जब सॉल्व करना है तो ऐसे ही बोल के सॉल्व करना है, तो इन्होंने कहा कि डब्ल्यू से टी जाकर दिखाओ। तो डब्ल्यू से टी जाने के लिए हम क्या करें, डब्ल्यू से टी देखो ये, अब डब्ल्यू से टी जाने में हमें कौन कौन से साइन मिले, ये ग्रेटर देन मिला, ये ग्रेटर देन, ये इक्वल टू और ये स्मॉलर देन। तो यहां पर देखो ये वाला साइन और ये वाला साइन, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट साइन है ना, उधर उसका फेस W की तरफ को है, इसका फेस T की तरफ को है, दोनों ऑपोजिट साइन है। और मैंने अभी आपको बताया अगर दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपोजिट साइन मिलता है तो उनके बीच में हम कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो उस केस में हमारा जो कंक्लूजन होगा वो फॉलो नहीं करेगा। फॉलो वही कंक्लूजन करते हैं जो 100% ट्रू होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा फॉलो नहीं करेगा, इसको हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड में कह रहे हैं y से m जाके दिखाओ, y से m जाके दिखाओ। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना आप सभी लोग, जो कंफ्यूजन रहता है, मानो अगर a इज ग्रेटर देन b है
और मैं बी के रेस्पेक्ट में ए देखूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह का साइन, साइन सेम नहीं रहेगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेल थी इसकी, तो इसकी टेल बी की तरफ ही रहनी चाहिए। तो यानी कि अगर ए से बी जाने में देख रहे हैं जो साइन है, तो अगर बी से ए देखें तो उस साइन का रिवर्स साइन हो जाता है, जस्ट ऑपोजिट साइन वो पलट जाएगा। तो ऐसा ही देखो इसको, इसमें है सेकंड वाले में, इसमें कह रहे हैं कि वाई से एम जाके दिखाओ, तो यहाँ पर हमारा एम से वाई वाला पाथ है, तो पहले हम एम से वाई निकाल लेते हैं, लास्ट में उसको रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। पहले हम एम से वाई सीधे सीधे जैसे हमने दिया है, हमें दिया है उन्होंने, हम ऐसे ही पुट कर लेते हैं, लास्ट में उसको रिवर्स कर लेंगे, बात तो एक ही है। तो यहां से अगर हम एम से वाई देखें तो हमें ये तीनों साइन मिल रहे हैं, देखो सारे साइन एक तरफ है, बिल्कुल एक तरफ है, हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ये वाला साइन है लेस देन का, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो जहां भी लेस देन मिल गया तो लेस देन ही आंसर होगा, यानी कि एम लेस देन वाई आएगा हमें, लेकिन y के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो y क्या हो जाएगा, y अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा m से। तो देखना कि यही कंक्लूजन है, बिल्कुल कंक्लूजन में भी यही कह रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन m, तो ये हमारा ठीक है, ये हमारा सेकंड वाला फॉलो करेगा, फर्स्ट वाला नहीं करेगा। तो इस केस में हम ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलोज, ये वाला हम आंसर इसमें मार्क करेंगे। आई होप थोड़ा क्लियर रहा होगा, और क्वेश्चन लेते थोड़ी और प्रैक्टिस करते। सेकेंड स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, कंक्लूजन से ही चलते हैं, ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन में कह रहे हैं, अब आपने एक क्वेश्चन कर लिया, अब आप इसको पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिए, ठीक है। हमें जाना है क्यू से टी, तो क्यू से टी देखो, क्यू से टी जाने में अगर हम देखें तो ये और ये देखो ऑपोजिट साइन हो गए, ऑपोजिट साइन एक दूसरे को आके मिल रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्यू और टी के बीच में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर हमारा ये वाला फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं बी से एम, तो देखो बी से एम तो आपको दिख रहा है, बी से एम जाने में इक्वल टू तो नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला साइन भी है, ये वाला भी है, ऑपोजिट साइन मिल रहे हैं, तो कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर हमारा ये भी फॉलो नहीं करेगा। अब दोनों कंक्लूजन यहां पर फॉलो नहीं कर रहे, तो इस केस में हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम एक बार इधर और चेक कर रहे, क्योंकि इधर और में क्या होता है, इधर और जब भी करता है जब दोनों इंडिविजुअली गलत, इधर और के लिए पहली कंडीशन क्या है कि दोनों ही इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए, दोनों ही इंडिविजुअली फॉलो नहीं करने चाहिए, तो ना हमारा फर्स्ट फॉलो कर रहा है ना ही हमारा सेकंड फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हम इधर और चेक कर सकते हैं। इधर और चेक करने की पहली कंडीशन तो हो गई, सेकंड कंडीशन ये है कि एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर क्यू और टी है, यहाँ पर बी और एम है, तो एलिमेंट्स तो अलग अलग है, और इन क्यू और एम के बीच में कोई इक्वल टू का रिलेशन तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, ऐसे ही टी और एम के बीच में इक्वल टू का रिलेशन तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो यानी कि एलिमेंट्स बिल्कुल ही अलग अलग है, तो उस केस में इधर और चेक करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो इधर और नहीं बनाएगा, एक अलग है स्टेटमेंट, एक अलग है, और एलिमेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर इधर और नहीं बनेगा, तो ये हमारा नीदर वन नॉर टू हमारा ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप क्लियर चल रही होंगी चीजें, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखो ये है हमारे सामने स्टेटमेंट है, फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा टी से वाई जाके दिखाओ, टी से वाई चलते हैं हमारे पास, लेकिन उल्टा पाथ है, कोई बात नहीं, हम वाई से टी चले जाएंगे, लास्ट में रिवर्स कर लेंगे उसको, तो यहाँ पर वाई से टी में देखो इक्वल टू, ग्रेटर देन सब एक तरफ है, सब एक तरफ साइन है, रिलेशन निकल जाएगा, और ग्रेटर देन वाला साइन भी है, मतलब ये लेस देन वाला, तो यही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि वाई लेस देन टी, ये हमारा आना चाहिए, और अगर इसको हम रिवर्स करें तो टी ग्रेटर देन वाई, यही कहा है क्या, टी ग्रेटर देन वाई, बिल्कुल यही कहा है, तो ये हमारा ठीक है, ये हमारा फॉलो करेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, पी से हमें एन जाना है, तो पी से एन जाने के लिए देखो ये रहा पाथ, पी से एन जाने के लिए हमारे पास है पाथ, पी से एन जाने में अगर हम देखें पाथ में तो क्या हो रहा है, देखो पी से एन जाने में हमें रिवर्स साइन मिल रहे हैं, ऑपोजिट साइन मिल रहे हैं, ये इधर की तरफ है इसका फेस, इसका फेस इधर की तरफ है, तो ऑपोजिट साइन है, तो कोई भी रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, तो ये वाला हमारा फॉलो नहीं करेगा, ओनली वन इज द आंसर, ओनली वन फॉलो इज आर करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर चल रही होंगी चीजें, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बी से हमें कहां जाना है, जी, देखो बी से जी चलते हैं, तो बी से जी जाने का ये रहा पाथ, देखो सारे साइन एक ही तरफ है ना, सारे साइन एक ही तरफ है, तो रिलेशन तो निकल जाएगा। अब साइन देखते हैं, तो साइन में जो बड़ा साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का ही है, ग्रेटर देन तो कहीं भी नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पर है, ग्रेटर देन सॉरी ये रहा ग्रेटर देन, तो ये वाला आंसर होगा ग्रेटर देन वाला, तो बी इज ग्रेटर देन जी, ये करेक्ट आंसर होगा, वहां पर भी यही दिया है, तो ये हमारा फॉलो कर रहा है। आई होप चीजें समझ में आने लगी होंगी। ऐसे ही सी से जी, तो सी से जी जाने के लिए क्या करें, सी से जी जाने के लिए देखते हैं बात,
सीसीआई, सॉरी सीसीआई चलने के लिए ये देखा आपने पास, तो ये मिल रहा है, ये है और ये, ग्रेटर देन मिल गया, तो यानी कि यहाँ पर भी ग्रेटर देन आंसर होगा। हाँ देखिए तो सेम है, देखो सी इज ग्रेटर देन एच, तो ये भी फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा बोथ वन एंड टू ये हमारा इसका आंसर हो जाए, बोथ वन एंड टू। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आई होप आपको अप्रोच समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन में आपको इसका और करा दो जिसमें कि स्टेटमेंट्स अलग अलग है, एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, एक दो स्टेटमेंट्स मिली हुई है, ताकि उससे भी करेक्ट करके हम निकाल सकें। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये है हमारे पास स्टेटमेंट, इसमें क्या है मल्टीपल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, और इसके अकॉर्डिंग चार कंक्लूजन है, उनको हमें फॉलो अनफॉलो बताना है कि कौन सा फॉलो करेगा कौन सा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलते हैं एक एक करके, एफ से डी देखते हैं पहले, एफ से डी हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो देखो यहां से हम डी से एफ पहुंच सकते हैं, तो एफ से डी भी पहुंच जाएंगे, तो डी से एफ पहुंचने में हमें ये वाला साइन और ये वाला दोनों साइन एक तरफ है, रिलेशन निकल जाएगा, ग्रेटर देन बड़ा है तो ग्रेटर देन हमारा आंसर आएगा डी ग्रेटर देन एफ, इसको हम उल्टा करें तो एफ इज लेस देन डी, तो क्या यही कह रहे हैं, बिल्कुल एफ इज लेस देन डी कह रहे हैं, ये फॉलो हमारा कर जाएगा। ठीक है, आप पॉज करके खुद करिए, फिर उसके बाद रिज्यूम कीजिए। अब देखते हैं जी से ए, गाइस कंटेंट वाइज फुल आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका बेफिक्र रहिए। इसके अलावा जो अभी नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, या आपके कोई जानने वाले जो ऐसे हैं स्टूडेंट, आपके भाई बहन कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल नए तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल शुरुआत से करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हो बिल्कुल ही बेसिक से मैं इन चीजों को पढ़ा रहा हूँ, ताकि एक एक चीजें क्लियर होती चले। ठीक है, जी से ए देखें, अगर आप जी से ए जाने के लिए हम क्या करें, देखो तो हम जी से सी चलते हैं और सी से ए चलेंगे, यही तो बात बन रहा है, देखो जी से सी चलते हैं और सी से ए चलेंगे, तो अगर हम यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट बना लें इनको, तो मैं यहाँ पर अगर सी के आगे ग्रेटर देन जी लिख दूं, तो इसमें अगर हम कंपेयर करें, देखना जरा इसमें अगर हम कंपेयर करें, तो ए से जी जाने में हमें, ए से जी जाने में हमें ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये तीनों साइन मिले, तो आंसर हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी कि ए ग्रेटर देन जी, जो एलिमेंट यहाँ पर है उसको वही रखेंगे, ए इधर था तो इधर ही रखा, जी इधर है तो इधर ही रखा, बीच में तीनों साइन को कंपेयर करा तो सबसे बड़ा जो साइन था वो ग्रेटर देन का साइन था, तो वो हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमसे जी से ए में पूछा तो इसको रिवर्स कर दो, तो जी लेस देन ए, तो वहां पर भी जी लेस देन ए ही का है, तो ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, जो लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उनके लिए भी सीरीज हेल्पफुल है, क्योंकि काफी चीजें आप लोगों को नहीं पता है, जब मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो तब देखता हूँ कि काफी चीजें नहीं पता है, बहुत ही बेसिक सी चीजें भी नहीं पता है, जिसकी वजह से जो हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं उनमें आके प्रॉब्लम आती है, तो बहुत ही बेसिक से क्लैरिटी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के लिए अभी टाइम है, तो हमें अपने बेसिक्स को सुधारना बहुत जरूरी है, विद इन वन मंथ हम अपने बेसिक्स सुधार लेंगे, ताकि जो हाई लेवल क्वेश्चंस हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम तो कम से कम ना। थर्ड देखते हैं, हमें जाना है ई से एच, अब ई से एच जाने के लिए हम क्या करें, देखो ई से हम एफ चलते हैं और एफ से एच चलते हैं, E से हम F चलते हैं और F से H चलते हैं, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो E इज ग्रेटर देन F और F इज ग्रेटर देन H, फाइनल रिजल्ट देखें E और F के बीच में, तो ग्रेटर देन यानी कि आंसर भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए, E इज ग्रेटर देन H हमारा ठीक आंसर होगा, और वहां पर भी देखो थर्ड कंक्लूजन में हमारा यही कहा है E इज ग्रेटर देन H, तो ये भी हमारा फॉलो कर रहा है, तो ये तीनों भी फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ वाले को एक बार चेक कर लेते हैं, फोर्थ वाले में हमसे उन्होंने कहा है कि जी से आप ई जाके दिखाओ, जी से आप ई जाके दिखाओ, तो जी से ई जाने के लिए हम देखो क्या करेंगे, हम जी से चलते हैं डी और डी से चलेंगे ई, जी से चलते हैं डी और डी से चलेंगे ई, तो हम क्या करें, जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी और इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। जब आप सीख जाओगे ना, क्या करते हैं कुछ लोग ना इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक कंबाइंड स्टेटमेंट बनाते हैं सब चीजों, गाइस देखो इसके आप कंबाइंड स्टेटमेंट बना लोगे, ए बी सी, सी से वाली जो सी वाली जो है उसको बाद में लिखोगे, फिर जी वाली से डी वाले कनेक्ट करोगे, फिर डी से इसको कनेक्ट करोगे, फिर इससे इसको कनेक्ट करोगे, इस तरीके से पूरी एक स्टेटमेंट पहले की तरह बन जाएगी, उसके बाद आंसर करने शुरू करोगे। आप एक चीज समझो, स्टेटमेंट्स को कंबाइंड कर रहे हो फिर उसके बाद आंसर कर रहे हो, आपका आपका अगर एक मिनट इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में लग रहा है ना, तो आप बहुत ही गलत ट्रैक पर, इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन मतलब 20 seconds, हार्डली 20 seconds, अगर आप इसको भी एक मिनट में कर रहे हो तो बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है आप लोगों को कि आप कर क्या रहे, जो अप्रोच पुरानी चलती भी आ रही है उसको कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा, नए तरीके से चीजों को करना पड़ेगा, जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, जिनका प्री क्लियर भी नहीं हो रहा, उनको बहुत सोचने की जरूरत है कि क्यों नहीं हो रहा,
मेहनत कर रहे हो तब भी नहीं, इसका मतलब ये है कि जो तरीके से आप चीजें कर रहे हो वो तरीके सही नहीं है, उन तरीकों में बदलाव की जरूरत है। बदलाव इसी तरीके से आएगा, आपको अगर इसकी सिंगल स्टेटमेंट बना के करते हो ना तो आप गलत कर रहे हो, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो, ऐसे नहीं करना। इवन जो मैं भी यहां लिखकर कर रहा हूं ऐसे भी नहीं करना, ये चीजें तो आपको अपने माइंड में करनी है। क्या दिक्कत है? जी से ई जाना है, दिख तो रहा है सामने, जी से ई जाने के लिए क्या करें, जी से डी चलते हैं, डी से ई चलते हैं, जी बड़ा है बराबर है, डी भी बड़ा बराबर है, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहे हैं, माइंड में हो जानी चाहिए ये चीज। आंसर जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। पहले क्या आएगा? पहले आएगा कौन? जी, है ना, पहले क्या आएगा? जी आएगा, क्योंकि डी इसके बाद में आएगा, है ना, तो पहले जी आएगा, तो जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई आंसर होना चाहिए, जो कि कंक्लूजन में भी हमसे यही कहा गया है, तो ये करेक्ट आंसर है। माइंड में करनी है चीजें, इनइक्वालिटी की कोशिश करो कि माइंड में सॉल्व करनी है, लिख के नहीं करनी। ये तो बड़ा प्लस पॉइंट वाला टॉपिक है, ये तो आपको स्कोरिंग टॉपिक है, ये आपको 5 के 5 नंबर पूरे दिला के जाएगा, पर इसमें हमें इतना टाइम बचा लेना है कि वो 1 मिनट अगर हम बचा लें तो वो हम पजल को दे दें, ताकि वहां 5 क्वेश्चन हमारे हो जाए, ठीक है? तो बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स को लिख ले सको, तो उसमें चारों सही है, तो ऑल आर करेक्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शंस में अलग अलग होंगे, ठीक है, ऑल आर फॉलोइंग, ऑल आर करेक्ट हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब गाइज आपको क्या करना है, कुछ कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो आई गेस, अब आपको क्या करना है, आपको एक पीडीएफ मिलेगी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वहां पे एक पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं, तो वो आप पीडीएफ डाउनलोड करो, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करो, अगर उनमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मेंशन कर देना, नेक्स्ट सेशन में मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लेना उसके बाद प्रैक्टिस ना करना, वो और भी ज्यादा खराब काम है, क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे 2-4 दिन बाद कॉन्सेप्ट भी निकल जाएगा, और आपने जो ये आधे घंटे की वीडियो देखी ये भी खराब जाएगी। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए फ्री क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कुछ पेड नहीं करना, ठीक है? तो फ्री क्वेश्चंस मिल रहे हैं, डाउनलोड करो पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पीडीएफ में 25 के आसपास, 30 के आसपास क्वेश्चंस हैं, उन सबको सॉल्व कर डालो, कॉन्सेप्ट क्लियर। डाउट है तो वो डाउट पूछ लो, जहां पर आप अटकते हो वही डाउट को क्लियर कर लो, आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, वो करते हैं, ठीक है? और इस सीरीज में कंटिन्यू रखना, डेली 8 AM ये सीरीज आपको मिलेगी। कोई क्वेरी है तो गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्वेरी अपनी मेंशन कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ कुछ कंटेंट चाहते हो तो वहां पे भी वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस आई एग्जाम भी पर सभी मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, टाइमली अपने आपको एनालाइज करने के लिए, अपने आपको एग्जामिन करने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि रियल एग्जामिनेशन में भी आपको वही इंटरफेस, वही चीजें, वही कुछ तरह के क्वेश्चन, वही उल्टा टाइमर चलना, वो सब चीजें फॉलो करनी है, वो सब चीजें फेस करनी है, तो क्यों ना उनकी अभी से प्रैक्टिस करते चले, तो वो चीजें भी जरूरी है। तो वीकली बेसिस पर अभी एक मॉक टेस्ट लगाइए, आई एग्जाम की वेबसाइट विजिट कीजिए, वहां पर आपको सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिलते हैं, जो कि अपडेटेड है, जो कि सभी मॉक टेस्ट हमारे अपडेटेड हो चुके हैं, रिफ्रेश हो चुके हैं, करंट जो भी एग्जाम्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको फ्रेम किया गया है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, उनको आप अटेम्प्ट करो। अपना स्कोर भी यहाँ पर मेंशन करना, जो भी रेगुलर स्कोर मेंशन करेंगे, जो भी रेगुलर यहाँ पर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहेंगे और अपनी क्वेरीज पूछते रहेंगे, मुझे भी शायद उनका एक दो का नाम याद हो जाएगा, तो मैं भी उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको चीजें प्रोवाइड कराता रहा, तो ये बहुत जरूरी है गाइस, टाइमली असेस करना अपने आपको। बाकी अगर आपके कोई रिलेटिव है, कोई भाई बहन है आपके, वो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वीडियो जरूर रेफर करना, क्योंकि ये पूरी सीरीज उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, प्रैक्टिस करके इसके क्वेश्चन जरूर आप भेजिए। थैंक यू।